मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, ये HNB ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चे एवं बच्चियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स में जो लेसन चल रहा है पॉलिनोमियल्स बहुपद, उस बहुपद में कुछ आइडेंटिटीज यानी सर्वसमिकाएं पर हम लोग कुछ सवाल देख रहे थे बच्चों। तो उसमें आप लोग जैसे दो पदों का योगफल हो या दो पदों का अंतर था उसके स्क्वायर पर आप लोगों ने फार्मूला इसके पिछले वीडियो में अर्थात ये लेक्चर नंबर मुझको लग रहा है कि 9 आप लोग देखे थे, आज का लेक्चर नंबर 10 होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसके पहले आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था यह आप लोगों को पहले हम बता दें। पहला आप लोगों ने पढ़ा था कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर अर्थात x स्क्वायर 2xy और y स्क्वायर, इस पर आप लोगों ने एग्जांपल देखा था। और दूसरा अगर देखें तो यह था x माइनस वाई का होल स्क्वायर अर्थात x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इस पर भी आप लोगों ने कुछ एग्जांपल देखे थे बच्चों आप। और नंबर 3 जो था x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, और यह हुआ था x माइनस वाई और ये था x प्लस वाई था। और फार्मूला आगे आप लोग देखे थे, नंबर 4 भी आप लोग देखे थे इसमें, यदि x स्क्वायर या मैं ये कहूँ कि अगर x माइनस ए हो या प्लस ए हो और दूसरे में x प्लस बी हो तो आप लोग इसको कैसे लगाए थे बच्चों कि x स्क्वायर के लिए थे और यहाँ से दोनों पदों का जो कांस्टेंट है इन दोनों पदों का योगफल आप लोग किए थे अर्थात a प्लस बी x हो गया और एक बार इन दोनों का गुणनफल किए थे। तो इस तरह से ये भी आप लोग गुणनखंड अगर दिया था तो उसका गुणा करके बहुपद आप लोग ज्ञात किए थे। आज आप लोग पढ़ेंगे बच्चों कि यदि मैं x प्लस वाई प्लस जेड लिख दूं, अर्थात यहाँ पर दो पद नहीं है बल्कि 3 पदों का यहाँ पर योगफल है और 3 पदों के योगफल का यहाँ पर वर्ग किया गया है, तो इसका फार्मूला जो बनेगा सर्वसमिका जो बनेगा बच्चों, यहाँ से सर्वसमिका जो है आइडेंटिटी ये जो होगा लिखेंगे बच्चों x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xy 2yz और 2zx लिखेंगे, 2zx लिख देंगे बच्चों। तो यह x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx यह आ रहा बच्चों। तो इस पर यहां से जो जो ये सर्वसमिका दोनों आपस में बराबर हो गए बच्चों, x स्क्वायर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसमें क्या था कि दो पदों का योगफल था बच्चों, आ इसमें 3 पदों का योगफल है और वर्ग यहां पर भी है, वर्ग यहां पर भी है। एक चीज ध्यान देना बच्चों कि यहां से अगर देखें तो यहां से जब वर्ग था तो इसको जब एक्सप्लेन किया हमने प्रसार किया तो इसमें 3 पद आ रहे थे और 3 पदों का है, जब यहां पर प्रसार किए तो हम लोग इसमें टोटल 6 पद आ गए। तो आइए बच्चों अब इस पर हम लोग सवाल देखा जाए। इसका यह अर्थ हो गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड है, x प्लस वाई प्लस जेड का अगर होल स्क्वायर दिया है तो इसका क्या अर्थ हो रहा है। इसका यह अर्थ हो रहा है बच्चों
कि x प्लस वाई प्लस जेड को कितनी बार लिखा गया है, दो बार लिखा गया है। अर्थात हम लोग इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का मतलब दो बार इसको हम लोग लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड और गुणे x प्लस वाई प्लस जेड, कितनी बार लिखा जाएगा, दो बार लिखाएगा। अब जरा इसका गुणा करके देखिए, यहां पर क्या है, जब एक बार हम गुणा करके दिखाएंगे कि यह दोनों आपस में बराबर हो गया, तो दूसरी बार में हम लोग बार बार गुणा नहीं करेंगे। इस फार्मूले पर रख करके, इस फार्मूले की सहायता से यह आगे का एक्सप्लेन क्या होगा उसी की सहायता से हम लोग बार बार उसको प्रसार करेंगे। तो आइए पहले हम लोग इसको गुणा करके देख लिया जाए, दो बार गुणा किया जाए तो देखा जाए कि दोनों इसका मान इसके मान के बराबर आ रहा है या कि नहीं आ रहा। तो ध्यान देना बच्चों, कैसे गुणा करेंगे इसको, x का गुणा x में होगा पहले, तो क्या आ जाएगा, x गुणे x का मतलब x स्क्वायर होगा बच्चों। दूसरी बार x का गुणा किस में होगा, y में होगा, तो यह हो जाएगा x y होगा। तीसरी बार क्या होगा, x का गुणा किस में होगा बच्चों, ये z में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू जेड हो गया। ठीक है ना, समझ नहीं आ रहा बच्चों। अब आगे देखिए, अब y का गुणा हम किस में करेंगे, x में लिखेंगे, तो यह हो जाएगा y x हो गया। फिर y का गुणा किस में, y में होगा, तो यह हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। फिर y का गुणा z में होगा, तो क्या हो जाएगा, यह y z हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए z का गुणा x में होगा, तो यहां से लिखेंगे, देखिए जेड का गुणा x में, तो यह हो गया जेड x। फिर जेड का गुणा y में होगा, तो क्या हो जाएगा, जेड y होगा। अब की जेड का गुणा z में होगा, तो यह हो जाएगा जेड स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब ध्यान दीजिए कि जो द्विघात वाले हैं चर राशि, x y z तीनों चर राशि है ना, तो यह दो घात वालों को पहले एक साथ लिख लीजिए, तो यह हो जाएगा x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, ये तीनों लिखा गया। अब देखिए यहां से x y और यहां से x y और यह y x, ध्यान देना बच्चों, x y और y x दोनों सेम है, दोनों एक ही है, या तो x गुणे y लिखें या y गुणे x लिखें। तो एक x y और ये भी तो y into x है, ये भी समझ लेना कि x y ही है, तो x y या और x y या मिलकर के 2x y हम लोग लिखेंगे, यहां से लिखेंगे 2x y लिखेंगे। ध्यान देना, हम लोग इसको क्रम से लिखेंगे, है ना बच्चों, कैसे लिखेंगे, x y देखिए कैसे क्रम से लिखेंगे, देखिए x हो गया, y हो गया, z हो गया, तो एक बार लिखेंगे हम लोग x y, तो x y हो गया। अब की हम लोग लिखेंगे y z, वाई जेड से ये कहां कहां है, एक वाई जेड यहां है और एक वाई जेड यहां है, तो यह हो जाएगा टू वाई जेड हो गया। अब देखिए अब की लिखेंगे हम लोग जेड एक्स लिखेंगे, ठीक है बच्चों, तो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, तो जेड एक्स जब लिखेंगे तो यहां से एक्स जेड हुआ और यहां पर जेड एक्स हुआ, तो यह एक्स जेड और जेड एक्स दोनों आपस में सेम ही है, तो इसलिए एक जेड एक्स और एक जेड एक्स मिलकर के क्या हो जाएगा, टू जेड एक्स हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से यह एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स हो गया। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल देखा जाए और एग्जाम्पल के बाद इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे हम लोग इसको तोड़ेंगे, अब इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिए यदि मैं लिखता हूं, तीन पद लिखना है हमको, मान लीजिए यहां से तीन पद लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं यहां से लिख दिया कि 2a प्लस 3b और प्लस 4c लिख दिया, ठीक है बच्चों, 2a प्लस 3b प्लस 4c लिख दिया, और यहां पर मैं इसका स्क्वायर कर दिया बच्चों, है ना, ऐसे एक्सरसाइज में आपकी अगली एक्सरसाइज में आएगी तो आप लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। दो तरह से होगा,
एक बार आपको इधर का दिया रहेगा तो इधर का ज्ञात करेंगे, और एक बार इधर का दिया रहेगा तो उधर से आप लोग इधर का ज्ञात करेंगे, ठीक है। यानी कि यहां पर गुणनखंड दिया है तो उसका प्रसार करना है, और एक बार प्रसार दिया रहेगा तो उसका गुणनखंड आपको ज्ञात करना रहेगा। तो पहले आइए हम लोग, यह गुणनखंड दिया हुआ है यानी यह जो प्रसार इसको करना है, तो प्रसार करने पर इसका कितना आएगा बच्चों। तो इसमें आप लोग इस तरह से ध्यान दीजिए, यह हो गया पहला पद, पहला पद हो गया, यह वाला क्या हो गया दूसरा पद हो गया, और यह वाला क्या हो गया तीसरा पद हो गया, है ना बच्चों। तो अब देखिए क्या इसका नियम क्या है कि पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग और प्लस तीसरे पद का वर्ग, यह फार्मूला कह रहा है। फिर क्या कह रहा है कि प्लस ये पहले दूसरे का गुणनफल का दूना प्लस दूसरे और तीसरे का गुणनफल का दूना और प्लस तीसरे और पहले के गुणनफल का दूना कर दिया गया है। यह फार्मूला यह इसको बता रहा है कि इसको एक्सप्लेन करेंगे तो इस प्रकार से इसका अर्थ निकलेगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर पहले का वर्ग कह रहा है, तो पहले का वर्ग हम लोग करेंगे बच्चों तो 2a का वर्ग होगा। फिर कह रहा दूसरे का वर्ग, दूसरे की जगह पर क्या होगा तो यहाँ लिखेंगे 3b का स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आना चाहिए बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और प्लस तीसरे का अगर हम वर्ग करें तो तीसरे के स्थान पर क्या है 4c का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 लिखा हुआ है 2, और पहले और दूसरे का गुणा किया गया है तो पहला की जगह पर क्या है बच्चों 2a है, और दूसरे की जगह पर क्या है 3b है प्लस। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि 2 लिखिए प्लस, मैं यहां पर लिख दिया है ना, तो प्लस हो गया। और इसके बाद कह रहा है कि दूसरा और 2 गुणे दूसरा गुणे तीसरा कह रहा है, तो दूसरा क्या हो गया 3b हो गया, यहां से लिखेंगे 3b और दूसरा गुणे तीसरा, यानी जेड को हम लोग तीसरा मानेंगे तो तीसरा की जगह पर क्या हो जाएगा यहां 4c हो जाएगा, प्लस 2 गुणे यहां देखिए तीसरा गुणे पहला कह रहा है तो तीसरे की जगह पर क्या हो गया 4c हो गया, यहां से लिखेंगे 4c और गुणे पहला x पहला है तो पहले की जगह पर क्या हो गया यहां पर 2a हो गया, ठीक है बच्चों। अब चलिए इसको सॉल्व किया जाए। आगे देखिए तो 2a का वर्ग करना है यानी 2 का वर्ग करना है यानी 2 गुणे 2 लिखना है बच्चों ना, तो 2 में 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसको 4 लिखेंगे तो यह हो जाएगा 4a स्क्वायर हो गया, इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा 9b स्क्वायर हो जाएगा, 9b स्क्वायर हो गया, और यहां से 14 हो जाएगा और c 16 होगा, 16 और c स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर क्या होगा देखना बच्चों, यहां पर 4a हो जाएगा, 2 गुना के 4a हो गया, प्लस कर रहा हूं 2 गुना के 4 और 4 दिए 12, यहां पर 12 लिख देता हूं, देख लीजिए बच्चों, देखिए यहां से 4 चौका 16 हो गया सी स्क्वायर, और यहां 2 गुना के 4 और 4 दिए 12 ए बी हो जाएगा, यहां से लिखाएगा 12 और ए बी हो गया। अब आगे यहां से लिख दे रहा हूं तो यह हो जाएगा 2 दिए 6 चौका 24 हो गया, और यह हो जाएगा 24 और बी सी हो गया, प्लस आगे देखिए क्या होगा 2 चौको 8 गुना के 16 हो गया, और यहां हो जाएगा सी ए, तो या तो ए सी लिखे या सी ए लिखे दोनों बार एक ही है, तो एक बार और चेक कर लीजिए, देखिए क्या हो गया 2 गुना के 4 ए स्क्वायर, 3 तरीके के 9 बी स्क्वायर, 4 चौका 16 सी स्क्वायर, 2 गुना के 4 किया 12 ए बी हो गया, और यहां से क्या हो गया 2 किया 6 चौको 24 बी सी होगा, 24 बी सी हो गया, और 2 चौको 8 गुना के 16 सी ए लिखे या ए सी लिखे, तो इस तरह से आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो एक्सप्लेन हुआ जो प्रसार हुआ बच्चों किसका हुआ 2a प्लस 3b प्लस 4c का होल स्क्वायर का हो गया, तो यह इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब आप लोग चलिए यह आंसर हो जाएगा, अब हम लोग एक एग्जांपल लिखेंगे कि मान लीजिए इस दोनों जो प्लस है
उसमें से एक कहीं हम लोग माइनस कर देते हैं तो उस पर हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लें बच्चों, अब इसके बाद हम इसको पहले मिटा दें तो फिर अगला एग्जाम्पल हम लोग बनाते हैं इस पर। अब हम इसे मिटा देते हैं बच्चों, आप लोग लिख चुके होंगे। आइए बच्चों अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये पहले के एग्जाम्पल मिटा दिए गए, अब अगला एग्जाम्पल हम लोग देखिए फार्मूला दे दिया गया पांचवें जो सरसमिका पर ये सवाल हम लोग बना रहे हैं और ये आप लोग एक्सरसाइज 2.5 जो भी आ रहा होगा उसमें ये क्वेश्चन इस प्रकार के जरूर पूछे गए होंगे। आप लोग चाहे तो घर पर इसे लगा सकते हैं बच्चों, मगर इससे पहले एक आध एग्जाम्पल हम और आपको बता करके समझाने की कोशिश करेंगे और हमें यकीन है कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा बच्चों। और यदि समझ में आ जा रहा हो तो थोड़ा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दिया करिए कि हाँ हमें समझ में आ रहा है। और जिन बच्चों के पास बुक है वह एक्सरसाइज पे क्वेश्चन लगाते भी चले बच्चों, है ना। तो आइए अगला एग्जाम्पल हम लोग बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर मैं 2 अब इसको लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 हम बना रहे हैं इसको। और क्या एग्जाम्पल हम लोग इसको बना रहे हैं बच्चों कि मान लेता हूं कि मैं लिख दे रहा हूं, यहां से मैं लिख रहा हूं कि 2a-3b और -4c और इसका हमने क्या कर दिया 4² कर दिया। और कहेगा कि इसका प्रसार कीजिए अर्थात एक्सप्लेन कीजिए, है ना। तो उसका प्रसार क्या होगा यानी उसका एक्सप्लेन कितना होगा यह आप लोगों को ज्ञात करना है, निकालना है। तो आइए बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने में आप लोग यह सावधानी दीजिएगा कि पहला वाला पद क्या है 2a है, तो आइए इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। पहला वाला पद हो गया 2a प्लस मैं लिखता हूं, दूसरा वाला पद हो गया -3b, क्योंकि देखिए प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। फिर मैं प्लस लिखता हूं और यहां पर लिखूंगा -4c लिख दे रहा हूं और इसका भी क्या कर दूं मैं 4² कर देता हूं। तो यह तो सवाल वही बन रहा है जो ऊपर दिया था बच्चों, वही होगा कि 2a और देखिए प्लस माइनस का गुणा होगा तो -3b और प्लस माइनस का गुणा होगा तो -4c और यहां पर 4² हो गया। इसका मतलब यह हो गया कि हमने पहला दूसरा तीसरा छांट लिया, यह हो गया पहला, यह हो गया दूसरा और यह हो गया तीसरा हो गया। तो पहला दूसरा तीसरा अगर मिल गया तो हम लोग सीधे लिखेंगे कि पहले का वर्ग और दूसरे का वर्ग और प्लस तीसरे का वर्ग करेंगे। तो यहां से लिखेंगे क्या हम लोग, यहां लिखेंगे पहले का वर्ग अर्थात 2a² प्लस दूसरे का वर्ग, क्या क्या अर्थ हो गया बच्चों, -3b² प्लस तीसरे का वर्ग कह रहा है तो तीसरे का वर्ग जेड है यानी किया -4c हो जाएगा, -4c² हो जाएगा। और अगला अगर देखेंगे तो प्लस लिखेंगे 2 × 1 होगा पहले की जगह पर तो यहां से हो गया। अब अगला देखेंगे प्लस 2 × 2 पहला में दूसरा है बच्चों तो पहला की जगह पर हो गया 2a, यहां से लिखेंगे 2a और गुणे दूसरा की जगह पर होगा -3b होगा बच्चों तो यहां लिखेंगे -3b हो गया। अब लिखेंगे प्लस प्लस, अब देखिए 2 × लिखेंगे 2 × दूसरा गुणे तीसरा तो दूसरा गुणे तीसरा क्योंकि यह जो हो जाएगा -3b यह हो गया -3b और इंटू तीसरा की जगह पर हो जाएगा -4c हो गया। फिर प्लस 2 × तीसरा गुणे पहला होगा बच्चों तो तीसरा की जगह पर क्या हो जाएगा -4c हो गया और इंटू यहां से हो जाएगा 2a हो गया।
थोड़ा लाइन आप लोग देखिए इस तरह से भाग रही है तो आप लोग समझ लीजिएगा, है ना बच्चों। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा दो गुना के चार ए स्क्वायर हो गया, प्लस यहां हो जाएगा तीन दिन के नौ, नौ बी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, प्लस यह हो जाएगा चार चौका सोलह और सोलह सी स्क्वायर। देखिए माइनस का वर्क करेंगे तो प्लस हो जाएगा, है ना बच्चों, तो सोलह सी स्क्वायर हो जाएगा। यहां देखिए माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह माइनस होगा और लिखेंगे दो गुना के चार त्रियाएं बारह हो जाएगा और यहां होगा ए बी हो जाएगा। अब अगला देखिए प्लस, देखिए माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। अब सीधे अंक का खाली गुणा कर दीजिए, दो त्रियाएं छह चौको चौबीस हो गया और यह हो जाएगा चौबीस बी सी हो जाएगा। और यहां देखिए माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा और यहां से लिख देंगे चार गुना के आठ, आठ गुना के सोलह, तो सोलह हो गया और यह हो जाएगा सी ए होगा। तो इस तरह से यह आ जाएगा आंसर, और यह आंसर आ गया बच्चों किसका, टू ए माइनस थ्री बी माइनस फोर सी का होल स्क्वायर का यह आंसर आ जाएगा, यह एक्सप्लेन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमें यकीन है कि आप लोगों को बुक में अगर इस तरह से सवाल आ रहा होगा तो उसको आप लोग जरूर लगाएंगे। अब आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग जरूर लगाएंगे। पहला मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूं, यहां से लिख दे रहा हूं थ्री ए प्लस फाइव बी और प्लस टू सी का होल स्क्वायर, पहला सवाल बच्चों। दूसरा सवाल मैं लिख दे रहा हूं, यहां से लिख दे रहा हूं कि टू ए माइनस फाइव बी और प्लस थ्री सी कर दे रहा हूं, ये प्लस थ्री सी है, यहां से थ्री सी है और इसका होल स्क्वायर में लिख दिया, टू ए माइनस फाइव बी प्लस थ्री सी लिख दिया। और एक और मैं लिख दे रहा हूं, तीसरा लिख रहा हूं, तीसरा मैं लिख रहा हूं बच्चों, यहां से लिख दिया कि ए माइनस थ्री बी और माइनस फाइव सी कर दिया और इसका मैं होल स्क्वायर कर दिया। और नंबर चार मैं यहां लिख दे रहा हूं, नंबर चार मैं यहां लिख दे रहा हूं बच्चों, लिख दे रहा हूं देखिए माइनस ए माइनस टू बी माइनस सिक्स सी और इसका मैंने होल स्क्वायर कर दिया, यानी पहला भी माइनस ए, दूसरा भी माइनस टू बी और तीसरा माइनस सिक्स सी लिख दिया, है ना बच्चों। और एक पांचवा मैं और लिख दे रहा हूं, यहां से लिख दिया क्या कि माइनस टू ए प्लस माइनस टू ए प्लस थ्री बी कर दिया, थ्री बी लिख दिया और माइनस सेवन सी लिख दिया और इसका होल स्क्वायर कर दिया। तो इस तरह से हम लोग ने, इसमें तीनों प्लस हो गया, इसमें पहला और तीसरा प्लस है, दूसरा वाला क्या है बच्चों माइनस है, इसमें पहला प्लस है, दूसरा और तीसरा क्या है माइनस है, यह फाइव है बच्चों, यह फाइव को ध्यान देना, माइनस फाइव सी है, फाइव सी है तीसरा। चौथा में क्या है, तीनों माइनस कर दिया, माइनस ए माइनस टू बी माइनस सिक्स सी हो गया और पांचवा में लिख दिया माइनस टू ए प्लस थ्री बी माइनस सेवन सी, यानी पहला और तीसरा ये दोनों माइनस हो गया और बीच वाला जो दूसरा है वो प्लस में हो गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को घर पर यह पांचों सवाल लगाइएगा और लगाने के बाद जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अवगत कराइएगा, हाँ सर ये सवाल हमसे लग गया है। इसके बाद अब दो पदों का तीन घात का हम लोग फार्मूला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उस पर आप लोग कुछ हम एग्जाम्पल भी घर पर लगाने के लिए देंगे बच्चों। तो आप लोग जरूर आज जो फेयर आप लोग बना रहे हैं उसी पर इस एग्जाम्पल को भी लगाते चलिएगा बच्चों, वो अलग से एग्जाम्पल लगाने की कोई जरूरत, कोई अलग से कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है। आप लोग आर्टिकल लिखिए फिर उसी कॉपी पर आप लोग ये जितने एग्जाम्पल है सबको नोट करते चलिए और साथ में जो होमवर्क हम आप लोगों को दे रहे हैं वो भी आप उसी पर लगाते चलिए बच्चों। तो हमें यकीन है कि आप लोगों को इस पांचवा जो सरसमीका का हमने फार्मूला बताया
और उस पर कुछ आप लोग एग्जाम्पल छोटे छोटे हमने दिया तो आप लोग घर पर जरूर लगाएंगे। और इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। और साथ में यह ध्यान देना बच्चों, नाइन्थ क्लास के बच्चे कितने जुड़े हुए हैं, यह अटेंडेंस तो आप लोगों की लगती नहीं है, तो कम से कम वीडियो देखने के बाद आप लाइक कर सके, आप लोग अपना अटेंडेंस देते रहिए ताकि हमें यह मालूम पड़े कि हाँ इतने बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच रही है जो उनको देख करके नोट बना रहे हैं और सवाल को लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को इस लेक्चर को हम यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। बच्चों आप सभी बच्चों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत से पढ़िए बच्चों, नोट को बनाते चलिएगा।